क्वेश्चन नंबर वन, अ सिंगल फेज 2 KVA 100/200 volt ट्रांसफार्मर इज रीकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर सच दैट इट्स KVA रेटिंग इज मैक्सिमम, द न्यू रेटिंग इन KVA इज. हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी. सो इन प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट लॉसेस, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, इफिशियंसी, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सब कुछ हम लोगों ने देखा. उसके बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई. स्पेशली आपको 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को आपको कैसे अप्रोच करना है, मैंने आपको वहाँ पे मेथड्स आपको डिस्कस किए थे. दैट इज़ वन इज़ व्हाट पावर बैलेंस इक्वेशन एंड वन इज़ व्हाट दैट इज़ व्हाट योर MF बैलेंस इक्वेशन. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा और वो सारे कंसेप्ट आप अगर एक प्रॉपर वे में आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप ट्रांसफार्मर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं हो सकती. इज इट ओके? भले ये कंसाइज फॉर्म में आपको चीजें प्रोवाइड किए, बट इट इज मोर देन इनफ. ये बहुत कुछ है, अगर इतना भी आप लर्न कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम इश्यू आने वाला है किस सेक्शन में, आपके ट्रांसफार्मर में. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज योर ऑटो ट्रांसफार्मर. तो ऑटो ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि वॉट इज एग्जैक्टली ऑटो ट्रांसफार्मर, हाउ इट वर्क्स. ओके, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है. कन्फ्यूजन इस बात को होता है, स्पेशली करंट के फ्लो पे कन्फ्यूजन होता है कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन कराएं. जब भी आप 2 वाइंडिंग से एक ऑटो ट्रांसफार्मर आप क्रिएट करते हो तो आपको हमेशा एक कंपैरिजन की बातें आती हैं. कैसे कंपैरिजन की, कि अगर मेरे पास सेम KVA रेटिंग का एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, उसको मैं कन्वर्ट कर दूं एक ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो उसके लिए आपके डिफरेंट कंपैरिजन होते हैं. वोल्ट एम्पियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका किसके ऊपर लॉसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कंपैरिजन परफॉर्म करते हो व्हेन यू आर कन्वर्टिंग अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू व्हाट ऑटो ट्रांसफार्मर. तो सबसे पहला ही पॉइंट यहीं पे आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. तो आप बताओ मुझको, अगर मुझको ट्रांसफार्मर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, ठीक है, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में, ठीक है. तो ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज क्या कर सकता, अप करेगा या तो क्या करेगा, डाउन करेगा. अब मेरे पास अगर बेसिकली एक ट्रांसफार्मर अपने घर में डिजाइन करना हो, अगर मुझे एक ट्रांसफार्मर घर में डिजाइन करना हो, हाउ वी कैन डू दिस वन, वी कैन गेट दैट ट्रांसफार्मर फ्रॉम अ पोटेंशियल डिवाइडर. कैसे आप पा सकते हो, मान लिया आपके पास क्या है, एक पोटेंशियल डिवाइडर है लाइक दिस वन, इज इट ओके. तो आप बताओ मुझको, आपके पास यहाँ कुछ सप्लाई होगी, दैट इज मान लिया 100 वोल्ट, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा. आप क्या कर दो, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिवाइडर आप यूज कर लो, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो भी आपके पास वोल्टेज आउटपुट इसके अवेलेबल होगा वो इससे क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा. दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टेप डाउन ऑपरेशन. बट प्रॉब्लम कहाँ होगी, अगर आप इस तरीके से ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हो, यू आर गेटिंग इट इज ऑल्सो ट्रांसफार्मर, ठीक है. वाई इट इज ट्रांसफार्मर, बिकॉज इट इज व्हाट, ये क्या कर रहा है, इस वोल्टेज को डाउन कर दिया, तो आपके पास क्या हो गया, इट्स अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. इज इट ओके, दिस इज द बेसिक हाउ यू कैन थिंक अबाउट अ ट्रांसफार्मर फॉर द डिजाइनिंग पर्पस. बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, दिस इज टोटली रेजिस्टिव नेटवर्क, ठीक है. अगर रेजिस्टिव नेटवर्क है तो डेफिनेटली जब भी इसमें करंट का फ्लो होगा, डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, हमेशा और हमेशा लॉसेस का अमाउंट भी उतना ही एक्सेसिव होगा. आई डोंट थिंक सो इट इज अ फिजिबल फॉर यू, इज इट ओके. अब कोई कहे, दिमाग में तुरंत आप क्या आएगा, क्या मैं इससे स्टेप अप बना सकते हो, बिल्कुल आप बना सकते हो. आप क्या कर सकते हो, आप इसी सप्लाई को 100 वोल्ट को इधर लगा दो, ठीक है. अगर आप 100 वोल्ट इधर लगा दोगे, डेफिनेटली आपका इसका ड्रॉप और इसका ड्रॉप दोनों ऐड कर दोगे, तो इसका जो वोल्टेज आएगा यहाँ इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा, डेफिनेटली 100 वोल्ट से क्या आएगा, आपके पास ज्यादा आएगा. ये कैसा ट्रांसफार्मर बन जाएगा, इट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है. बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, आपके पास क्या है, लॉसेज जो होंगे आपके वाइंडिंग में वो क्या होंगे, आपके बहुत ही एक्सेसिव होंगे. नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या पॉसिबल था, नेक्स्ट सोल्यूशन ये हो सकता था, आप एक इंडक्टिव डिवाइडर यूज कर लो. इज इट ओके, अगर मैं इंडक्टिव यूज कर ले रहा हूं तब भी मेरे पास क्या होगा, मैं फिर से एज अ पोटेंशियल डिवाइडर बिहेव करा लूंगा और मैं जान जाऊंगा इस इधर आपके पास 100 वोल्ट है, डेफिनेटली यू कैन गेट व्हाट व्हाट अमाउंट ऑफ वोल्टेज, यू कैन गेट अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज एट दिस आउटपुट, और फिर से क्या बन जाएगा, दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. इज इट ओके, सेम मैनर में आप इधर सप्लाई कर दो 100 वोल्ट, आपको इधर क्या मिल जाएगा, आपको ज्यादा वोल्टेज मिल जाएगा. तो आपके पास हमेशा क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे ट्रांसफार्मर डिजाइन करने के लिए, और बेसिकली यही क्या कहलाता है आपका, दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है. तो आप क्या देख रहे हो, आपके पास वाइंडिंग क्या है, आपके पास ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग, ठीक है, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है. इज इट ओके, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हमेशा इसके पास अवेलेबल होगा. तो मेरे पास अगर मैं डिफाइन करूं एक ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डिफरेंस की बात करूं, तो जो आपके पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता था वो उसमें दोनों ही वाइंडिंग क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड वाइंडिंग्स होती. कैसी होती था आपकी, आप क्या करते थे, देयर इज 1 वाइंडिंग प्राइमरी, देयर इज अ कोर, एंड फाइनली क्या आपके पास सेकंड वाइंडिंग.
और ये दोनों ही वाइंडिंग एक दूसरे से क्या होते थे, इलेक्ट्रिकली क्या होते थे आपके, डिस्प्लेस्ड होती थी, इज इट ओके। बट यहां पे क्या है आपके पास, दोनों ही वाइंडिंग क्या है आपके पास, दिस वन इज प्राइमरी, दिस वन इज व्हाट, सेकेंडरी, दोनों वाइंडिंग क्या आपके इलेक्ट्रिकली कनेक्शन है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है तो आप बताओ इसके अंदर क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो सकता है, आप खुद सोच के बताओ। जब आपके पास इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं था तो आप कहते थे यहां पे आपके पास करंट फ्लो कराते थे और इंड्यूस वोल्टेज आप सेकेंडरी में पा जाते, जिसको आप कहते थे क्या, ट्रांसफॉर्मर एक्शन। और क्या करते थे, प्राइमरी की पावर को किस पे लेके जाते थे, सेकेंडरी पे लेके जाते थे, और आप कहते थे दोनों पावर क्या रहती थी, इक्वल। बट दैट इज ट्रू ओनली फॉर व्हाट, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो प्राइमरी की पावर को सेकेंडरी तक पहुंचाने में आपने किस एक्शन को परफॉर्म किया था, यू हैव चूज़न द इंडक्शन प्रोसेस। कैसा प्रोसेस आपने चूज किया था, इंडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब आप जो भी टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जितना पावर प्राइमरी से सेकेंडरी लेके जाते हो, वो सारा का सारा पावर किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचता है, दैट इज फ्रॉम द इंडक्शन प्रोसेस। इसीलिए उसको कहा जाता है इंडक्टिव ट्रांसफर ऑफ द वोल्ट एम्पियर फ्रॉम प्राइमरी टू व्हाट, सेकेंडरी साइड। बट अगर मैं कह दूं कि यही दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आपने इसको कनेक्ट कर दिया, अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपने वाइंडिंग कर दिया, तो आप ही बताओ मुझको, अब इसकी पावर यहां तक पहुंचाने के लिए आपको दो प्रोसेस करने पड़ेंगे। पहला प्रोसेस क्या होगा, इंडक्शन भी होगा, बिल्कुल इंडक्शन होगा, क्यों होगा, आपके पास अगर दो वाइंडिंग करंट फ्लो करेगी तो आप इनके बीच में कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस अवेलेबल होगा, तो इंडक्शन प्रोसेस तो अवेलेबल हो गए, प्लस साथ साथ में क्या होगा, कंडक्शन प्रोसेस भी अवेलेबल होगा। तो इसमें जो प्राइमरी की पावर सेकेंडरी तक पहुंचेगी वो हमेशा दो प्रोसेस से पहुंचती है, वन इज वॉट नोन एज वॉट, ट्रांसफॉर्मर एक्शन, या जिसको आप कहते हो इंडक्शन प्रोसेस से, और दूसरी जो पावर पहुंचेगी वो किसके थ्रू पहुंचेगी, दैट इज योर कंडक्शन प्रोसेस, इज इट ओके। तो आपके पास क्या है, ये एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, या आप ये एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। फिर भी ऑटो ट्रांसफॉर्मर का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, इट हैज बीन यूज्ड एट लो पावर एप्लीकेशंस, ठीक है। आप लैबोरेटरीज में आप देख सकते हो ऑटो ट्रांसफॉर्मर आप यूज करते हो, ठीक है। आप लो वोल्टेज एप्लीकेशंस पर आप हमेशा ऑटो ट्रांसफॉर्मर को यूज किया था, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन पर आप नहीं यूज करते हो। इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेट अस अज्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, मान लिया यहां पर मैंने कह दिया कोई शॉर्ट सर्किट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों क्या होंगे आपके, सेम अगर हो गए, तो आप ही बताओ मुझको, अगर ये टर्मिनल सेम हो गया, तो इसको मैं मान लूं ए टर्मिनल, इसको मैं मान लूं बी टर्मिनल, इसको मैं क्या मान लूं सी टर्मिनल, तो आप जरा ध्यान से बताओ, सी 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 ए, तो मैं कहूंगा ए इज इक्वल टू क्या, सी, इज इट करेक्ट। तो आप बताओ जितना वोल्टेज आपके पास क्या होगा, प्राइमरी पे अवेलेबल होगा, उतना ही वोल्टेज जरा देखो सेकेंडरी पे दिखाई देगा, सी टू बी, और ये क्या सी टू बी, इसका मतलब दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके, आपका वो प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा जिसके लिए आप ट्रांसफार्मर यूज करने वाले, मतलब स्टेप अप या तो स्टेप डाउन। इसका मतलब ये वाइंडिंग क्या हो सकती है, सेकेंडरी साइड आपका क्या हो सकता है, प्रॉब्लम में आ सकता है अगर यहाँ पे कोई एक शॉर्ट सर्किट आपका कनेक्ट हो जाए। बट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में अगर आप इन दोनों टर्मिनल को आप सेम करते हो, तो ऐसी सिचुएशन कभी मिल ही नहीं सकती। ऐसी सिचुएशन अगर आप पाने चाहते हो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, कि ये वोल्टेज दोनों वोल्टेज सेम हो जाए, सप्लाई और सब कुछ सेम हो जाए, इसका मतलब दोनों को ही क्या करना पड़ेगा आपको, शॉर्ट सर्किट, इज इट। तो ये सारे कुछ इश्यूज होते हैं आपके ऑटो ट्रांसफार्मर में, जो कि टू वाइंडिंग नहीं होते। बट देयर आर सम एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एप्लीकेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ एडवांटेजेस भी एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से टू वाइंडिंग को रिप्लेस करके आप कहां यूज करते हो, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हो, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू यूज, इज इट ओके। तो चलो देखते हैं जरा ऑटो ट्रांसफार्मर हम क्या क्या फंक्शनिंग करते हैं और कैसे कैसे हम चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं जरा क्या क्या हो सकता है। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा होता है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने आपकी एक कोर मटेरियल लिया जिसमें मैंने एक वाइंडिंग रैप कर दिया। तो ऑटो ट्रांसफार्मर डेफिनेशन हो गई, यू आर ऑप्टिंग अ सिंगल कोर जिसपे कि आप वाइंडिंग यूज कर रहे हो वो क्या है, उसमें दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी, उनके बीच में हमेशा एक कॉमन पोर्शन अवेलेबल होगा, ठीक है। कौन सा कॉमन पोर्शन है, मैंने कहा दिस इज अ कोर, ठीक है। यहां पर आपने एक वाइंडिंग रैप किया, ठीक है, और आपने यहां से एक्सट्रैक्ट किया लोड को, ठीक है, या आपने सेकेंडरी बनाया, तो आपके पास क्या होगा, प्राइमरी साइड में भी ये वाली वाइंडिंग रहेगी और सेकेंडरी में भी ये वाली वाइंडिंग है, और ये सारी वाइंडिंग कैसे कनेक्टेड, आपके इलेक्ट्रिकली कनेक्शन है, इज इट ओके। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हमेशा एक कॉमन पोर्शन अवेलेबल होगा, इफ वी आर ऑप्टिंग व्हाट, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं किस कंडीशन में, केस फर्स्ट, अंडर नो लोड कंडीशन। अगर हम कहते जैसे वहां पे भी आप करते थे, आप सबसे पहले नो लोड के बारे में बातें करते थे, उसके बाद आप किसके बारे में बात करते थे, आप लोडेड कंडीशन में। तो मैं कह रहा हूं अगर अंडर नो लोड कंडीशन है, तो आप बताओ ट्रांसफार्मर बेसिक ऑपरेशन क्या होगा। जैसे ही आप अंडर नो लोड कंडीशन, इसका मतलब स्विच क्या होगा आपके पास, ओपन। अगर इस स्विच ओपन है तो इस लोड में करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 एम्पियर। तो यहां पर कितनी एम्पियर होगी, दैट इज इक्वल टू 0 एम्पियर। अगर ये 0 एम्पियर है तो इस लोड का तो कोई मतलब नहीं निकला। आप बताओ जरा क्या होगा इसके अंदर,
मेरे पास क्या होगा, जैसे ही आप सप्लाई कनेक्ट करोगे इसके अंदर तुरंत एक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी और उस करंट को मैं क्या बोलूंगा, नो लोड करंट। क्या करंट बोलूंगा? नो लोड करंट। और इसको मैंने लिख दिया दैट इज इक्वल टू आई नॉट। इज इट ओके? जिसका काम क्या होगा, जिसका काम क्या होगा, इस कोर को मैग्नेटाइज करना। जिसका काम क्या होगा, इस कोर को मैग्नेटाइज करना और इसके अंदर जो भी आपके लॉसेज अवेलेबल होंगे, कोर के लॉसेज जो अवेलेबल होंगे, उनको क्या करना, कंपनसेट करना या उसको फुलफिल करना। इज इट ओके? तो अंडर नो लोड कंडीशन में आपके पास क्या होगा, जैसे ही आप सप्लाई कनेक्ट करोगे आपके पास क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। करंट को नाम मैंने क्या दे दिया, दैट इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, तो आई नॉट करंट हो गया, इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, उसका काम क्या केवल होगा, कोर को मैग्नेटाइज कराना और क्या करना, कोर लॉसेस को फुलफिल करना। अब अगर मैं आइडियल केस मान लूं, क्योंकि मैं हमेशा आइडियल से ही स्टार्ट करता हूं, अगर आइडियल केस है तो आप आइडियल केस में आप क्या बोलते हो, आइडियल केस में आप बोलते हो कि नो लोड की वैल्यू जो आई नॉट होती वो हमेशा किसके इक्वल आप कहते थे, आईसी प्लस कितना, आईएम, जिसमें आईएम करंट क्या होती था, आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट, और आईसी करंट क्या होती था, आपकी कोर लॉस कंपोनेंट। तो आप बताओ अगर आइडियल कंडीशन होगी तो आईसी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, डेफिनेटली जीरो। और अगर मैं कह दूं कि कोर की परमेबिलिटी क्या आपकी इनफाइनाइट, आइडियल केस में आपको दो चीजें बताई गई थी, एक परमेबिलिटी इनफाइनाइट और दूसरी क्या, परमेबिलिटी फाइनाइट। तो अगर ये आपके पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर, मैं प्योर आइडियल केस की बात कर रहा हूं, तो आपके पास आईसी तो जीरो हो गई होगा क्योंकि देयर विल बी नो लॉस इन द कोर सर्किट। नेक्स्ट आईएम की वैल्यू अगर परमेबिलिटी इनफाइनाइट मान लो, तो आईएम वैल्यू क्या होगी आपके पास, जीरो। मतलब ट्रांसफॉर्मर को किसी भी करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है टू मैग्नेटाइज इट्स कोर। इज इट ओके? आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट व्हाट आइडियल ट्रांसफॉर्मर, प्रैक्टिकल की बात है, बात की बात है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर एज यू हैव डन इन केस ऑफ व्हाट, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। इज इट करेक्ट? तो मेरे पास क्या है, मैंने कह दिया आइडियल सिचुएशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने कह दिया दीज आर आई एम डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, आइडियल सिचुएशन। अगर आइडियल सिचुएशन है तो आपके पास क्या होगा, आई नॉट की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, जीरो अमाउंट। ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि मेरे पास क्या हुआ, कुछ नो लोड करंट आपके पास अवेलेबल है, तो आप बताओ मुझको जैसे ही ये करंट फ्लो करेगी, ये कोर क्या हो चुका होगा आपका, मैग्नेटाइज। अगर ये आपके पास मैग्नेटाइज हो चुका होगा तो इसमें क्या क्या चीजें हो गई, कोर का मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस हो गया और ये नो लोड कंडीशन आपके पास क्या हो गया, आपके डेवलप हो गई। इज इट ओके? अब बताओ मुझको, अब बताओ मुझको अब क्या होगा, मैंने कह दिया, अब ध्यान से देखो, इस पूरे कोर पे अगर ये करंट आपकी फ्लो कर रही है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, इस पूरे कोर पे अगर ये नो लोड कंडीशन में भी करंट आपकी फ्लो कर रही है, तो आप बताओ मुझको, आप ध्यान से सुनो और ध्यान से बताना मुझको, अगर ये नो लोड कंडीशन करंट आपकी फ्लो कर रही है, तो इसके अंदर आपके पास क्या डेवलप होगा, आपके पास फ्लक्स। फ्लक्स कैसा डेवलप होगा जरा देख के बताओ मुझको, करंट का फ्लो आपको कैसा दिख रहा है, पूरी एट से लेके सी वाइंडिंग, ये तो ओपन सर्किटेड है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये कोर है, वो रैपिंग किधर से हो रही है, नीचे की तरफ से। अगर रैपिंग नीचे की तरफ से और करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, फ्लक्स का डायरेक्शन किधर मिलेगा आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैं कह दूंगा मेरा जो फ्लक्स आपके पास डेवलप हुआ, कैसा डेवलप हुआ, फाइ मैक्स। इज इट करेक्ट? तो आपके पास क्या हो गया, अब मैं कहूं नो लोड कंडीशन पे, नो लोड कंडीशन पे अगर आपके पास फ्लक्स है, तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा आपके पास, इंड्यूस वोल्टेज। कैसा वोल्टेज आपके पास होगा, इंड्यूस वोल्टेज। तो आप बताओ मुझको, इसको मैं कह रहा हूं एचवी और इसको मैं क्या कह रहा हूं, एलवी, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, अगर फ्लक्स आपका फ्लो कर गया तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, और इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। तो आप बताओ मुझको, इसके अंदर जो भी इंड्यूस वोल्टेज आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, एन टाइम्स ऑफ एन एच टाइम्स ऑफ कितना, डी फाइव कितना, डी टी। दिस इज द इंड्यूस वोल्टेज इन द प्राइमरी साइड, करेक्ट नॉट, ठीक है, इतना करेक्ट हुआ कि नहीं करेक्ट हुआ। आप बताओ मुझको, अगर इंड्यूस वोल्टेज ऐसे आप डिफाइन कर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो ना, आप ये कह सकते हो ना कि मेरे पास जो इंड्यूस वोल्टेज आ गया प्राइमरी साइड, उसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, अगर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई एम साइन ओमेगा टी, तो ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो इंड्यूस वोल्टेज आपका कितना आएगा। तो आप फिर से एक बार चेक करो, आपको वही फॉर्मूला फिर से मिल जाएगा, 4.44 एफ इंटू फाई इंटू कितना, नंबर ऑफ टर्न्स। इज इट ओके? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो भी इंड्यूस वोल्टेज होता है हमेशा क्या होता है, सेम फॉर्मूला आपको मिलता है आरएमएस वैल्यू की, 4.44 एफ फाई इंटू कितना, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दैट साइड। इज इट ओके? अब बताओ मुझको, तो अगर ये अंडर नो लोड कंडीशन है, तो नो लोड कंडीशन में क्या कहूंगा, द कोर हैज मैग्नेटाइज्ड, द कोर हैज मैग्नेटाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि we have developed the induced voltage in the what, winding। is it okay? to aapke paas kya ho gaya, induced voltage aapne develop kar liya। ab batao mujhko, ab mujhe dhyan se batana ki mere paas ab kya cheez hongi। to no load condition mein aapne induced voltage kuch aisa flow kare। ab agar main kehta hu
कि ट्रांसफार्मर है, तो आप ही कहते हो कि अंडर नो लोड कंडीशन जितना फ्लक्स आपका डेवलप हो गया लोडेड कंडीशन में ही उतना ही फ्लक्स कोर में होना चाहिए। दिस इज योर बेसिक ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल। तो आप बताओ मुझको, जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, जैसे ही मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, अब जरा ध्यान से देखना इसमें करंट एक फ्लो करना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, और इस करंट की वैल्यू कितनी कहलाएगी आपके पास, IL। मैंने क्या नाम दे दिया इसको, IL। लोड में जो करंट फ्लो कर रही है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, IL। IL के यहां मतलब है LV साइड की करंट। तो ये कौन सी करंट हो गया आपके, LV साइड की करंट। आप बताओ मुझको, अगर ये स्विच तुमने कनेक्ट किया तो आपके पास यहां लोड में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दी, सेम मैनर में नो लोड कंडीशन जो फ्लक्स की वैल्यू थी किधर थी आपके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 5x। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाली वाइंडिंग में ये करंट आपके IL फ्लो करते हुए आएगी, IL फ्लो लाइक दिस वन होगा। अब बताओ मुझको, अगर ये करंट आपकी फ्लो की, ठीक है, IL करंट अगर इसके अंदर फ्लो की, तो बताओ मुझको इसमें करंट आपकी फ्लो कर रही इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस वन, इससे फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा लाइक दिस वन। अब बताओ इस वाइंडिंग जो कॉमन पोर्शन है उसमें जो आपकी करंट का फ्लो होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए किस फ्लक्स को, मेन फ्लक्स को, जो आपका अंडर नो लोड कंडीशन में आपका क्या किया गया, डेवलप किया गया। तो आप बताओ इस वाली वाइंडिंग इतने पोर्शन में आप बताओ जो करंट का फ्लो दिखना चाहिए वो कैसा दिखाई देगा आपका, अपवर्ड दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इज इट ओके। तो आपके पास क्या हुआ, इस वाली वाइंडिंग में जो करंट का फ्लो दिखाई देगा वो ऐसा होना चाहिए जो इस मेन फ्लक्स को क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। अब जरा देखते हैं, अगर ये अपोज कर दिया तो कोर में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट होगी, तो उसको कंपनसेट कौन करेगा, प्राइमरी जो होगा वो एक्स्ट्रा करंट आपका एडिशन करेगा। तो उस टाइम पे लोडेड कंडीशन में जो इसके पास करंट होगी उसको मैंने क्या नाम दे दिया, IH। तो आप बताओ मुझको IH करंट अगर इसमें आप फ्लो करा रहे हो और इसमें करंट आपकी कुछ ऐसी फ्लो करेगी फ्रॉम B टू कितना, C टर्मिनल, IH करंट आपकी फ्लो कर रही फ्रॉम A टू व्हाट, C टर्मिनल। नेक्स्ट बताओ मुझको, बी से सी के बीच में जो कॉमन वाइंडिंग है उसमें अगर करंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी तो आप बताओ मुझको कैसी करंट होगी। पहली चीज तो क्लियर है कि ये करंट आपकी आपके पास क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी फ्लो कर रही है, सेम मैनर में IL आपका यहां पे फ्लो कर रहा है। अब बताओ ये वाइंडिंग कॉमन वाइंडिंग में जो अपोजिशन क्रिएट कर रहा है इस मेन फ्लक्स को, उसको कंपनसेट कौन सी करंट ने किया होगा, IH ने अपने अंदर कौन सी करंट ले रखा होगा, एक तो एक्साइटिंग करंट होगा जो नो लोड फ्लक्स प्रोड्यूस किया होगा, दूसरी करंट कौन सी होगी, उतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट जिसकी वजह से ये अपोजिशन फ्लक्स क्रिएट होगा। अब देखो जरा, अगर IH का फ्लो इन दिस डायरेक्शन है, IL का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में है, आप बताओ इसके अंदर जो भी करंट होगी वो कैसी करंट होगी, या तो होगी IH माइनस कितना, IL करंट, या तो क्या होगी, IL माइनस कितना, IH करंट, करेक्ट। कॉमन वाइंडिंग है तो IH का फ्लो इस पूरी वाइंडिंग में आपका फ्लो होगा। तो आप बताओ मुझको कॉमन वाइंडिंग में आपका IH फ्लो डाउनवर्ड आपको दिखाई दे रहा है और IL का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो इसके बीच में आपके पास कौन सी करंट फ्लो करेगी, या तो IH माइनस IL फ्लो करेगी, या तो क्या फ्लो करेगी, IL माइनस IH। आप बताओ ये है HV साइड, ये कैसा, LV साइड। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं HV साइड पे करंट की वैल्यू क्या होती, कम, LV साइड पे हमेशा करंट की वैल्यू क्या होती आपके पास, ज्यादा। तो आप बताओ मुझको IL और IH में कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, IL की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, IL माइनस IH करंट आपकी क्या करेगी, यहां पे फ्लो करेगी। तो इस करंट को मैंने क्या कह दिया, दिस अपोजिशन जो क्रिएट हो रहा है वो कौन सी करंट हो रहा है, IL माइनस IH, इज इट ओके। तो आप बताओ मुझको, तो ये आपने देखा कुछ एक्शन कुछ इस तरीके का आपका परफॉर्म हो रहा है। तो आप जरा ध्यान से देखो और इसके एक्शन को देखते हैं जरा कैसे कैसे वोल्टेज का डेवलपमेंट होगा। अब बताओ आपने देखा केस टू, आपने क्या देखा, लोडेड कंडीशन, लोडेड कंडीशन, इज इट ओके। तो अब जरा ध्यान से बताओ मुझको, जब ये IH करंट आपकी फ्लो कर रही है पूरे AC टर्म में, इतने NH टर्म में कितना फ्लो कर रहा है, IH करंट फ्लो कर रही पूरे NH टर्न में, तो आप बताओ मुझको अगर मैं वोल्टेज की बात करूं कि वोल्टेज कितना आपके पास अवेलेबल होगा, VH की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताओ ना मुझको मेरे पास क्या होगा, हमेशा VH जो होगा, अगर VH की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहूं डिवाइड बाई कितना पर टर्न, तो पर टर्न का मतलब क्या हो गया आपके पास NH, क्लियर इतनी बात। मैं कह दूं कि IH करंट फ्लो कर रही, तो बताओ इस वाइंडिंग में आपका एक टर्न में कितना वोल्टेज आपके पास अवेलेबल होगा, तो कितना वोल्टेज आपके पास अवेलेबल होगा, दैट इज इक्वल टू VH डिवाइड बाय कितना NH। तो मेरे पास क्या हो गया, अगर मैं कहता कि मेरे पास क्या है वोल्टेज, वोल्टेज पर टर्न इन व्हाट, इन AC वाइंडिंग, इन AC वाइंडिंग आपके पास कितना होगा, आपके पास दैट इज इक्वल टू VH डिवाइड बाय कितना मैं कर दूंगा NH को, इज इट ओके। अब बताओ, तो आपसे कोई पूछ ले बताओ VL की वैल्यू कितनी होगी, जरा ध्यान से देखो
एक टर्न में आपके पास कितना वोल्टेज अवेलेबल, इतना, तो आप बताओ मुझको इतने में मुझको निकालना वीएल में कितना अवेलेबल होगा, इतने में कितना अवेलेबल होगा, टोटल बताओ। इसमें टर्न की वैल्यू कितनी लिखे हो आपने, एनएल, इसका नाम आपने क्या दिया, एनएल, तो आप बताओ मुझको आपके पास क्या हो जाएगा, वीएच डिवाइड बाई एनएच मल्टीप्लाई कितने से होगा आपके पास, दैट इज एनएल, और आप इसको क्या लिखोगे, दिस इज द वोल्टेज इन कौन से सेक्शन में, इन बीसी वाइंडिंग, इज इट ओके, और इसका नाम आपने क्या दिया, दिस इज नोन एज द वी एल वी, इसको नाम क्या दे दिया आपने, वी एल वी, तो एल वी साइड का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा आपके पास, वोल्टेज पर टर्न की वैल्यू कितनी, वी एस डिवाइड बाई एन एच, तो आप बताओ एल वी साइड पर कितना टर्न होगा, वी एस डिवाइड बाई एन एच मल्टीप्लाइड बाई कितना, एन एल, इज इट ओके। अब जरा ध्यान से देखना, वी एच डिवाइड बाई एन एच इंटू कितना, एन एल इज इक्वल टू कितना, वी एल, एल वी, इसको नाम दे दिया वी एल, तो आप जरा देख के बताओ इसको आपके पास क्या मिल गया, VH डिवाइड बाई NH इंटू कितना NL इज इक्वल टू कितना VL, तो आपके पास क्या आ जाएगा, VH डिवाइड बाई कितना VL, ऐसा कुछ है कि नहीं है, इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, NH इधर गया तो NH डिवाइड बाई कितना NL, और इसी को आप क्या कहते हो, टर्न रेशियो ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये सारी बातें किसके लिए चल रही, आइडियल कंडीशन के लिए चल रही, आइडियल कंडीशन मतलब हुआ कि इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू एक्जैक्टली इक्वल कितना होगा, जितना यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग में जो भी वोल्टेज अवेलेबल होगा उतना ही होगा जितना यहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस होगा, इज इट करेक्ट और नॉट। तो आपके पास क्या हो गया, आपने जान लिया कि टर्न रेशियो जो होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, मैंने क्या लिख दिया, वी एस डिवाइड बाई वी एल, और क्या लिख दिया, एन एस डिवाइड बाई एन एल, ठीक है। अब यहां तुरंत कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि कई जगह लिखा होता है टर्न रेशियो इज इक्वल वी एल डिवाइड बाई वी एच वी, नेक्स्ट क्या लिखा होता है, एनएल डिवाइड बाई वॉट एन एच, तो आप हमेशा ध्यान रखो आप कोई सा भी टर्न रेशियो आप यूज करो, देर इज नो गोइंग टू बी इशू, आपका कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। बट ध्यान ये रखना, एक बार जो टर्न रेशियो आप डिसाइड कर लो, फिर प्रॉब्लम में भी आप उसी बेस पे चलोगे, अगर आप बार बार बदलोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रॉन्ग आंसर फॉर दैट कैलकुलेशन, इज इट ओके। तो हमेशा ध्यान रखना कि मैं जो टर्न रेशियो आपका यूज कर रहा हूं, कितना यूज कर रहा हूं, वी एस डिवाइड बाई वी एल, क्यों हमने ऐसा यूज किया, ऐसा कोई ये फैक्ट नहीं है। मैंने ये बताया यहां पे कि मैं हमेशा प्राइमरी टू सेकेंडरी हमेशा लेता था, इसलिए मैंने वी एस डिवाइड बाई कितना ले लिया वी एल। आप क्या ऑप्ट कर सकते हो, आप वी एल बाई कितना यूज कर सकते हो, वी एच यूज कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, यही चीज किसके इक्वल हो जाएगा, वन डिवाइड बाई कितना ए डैश के, क्लियर इतनी बात। तो ये मेरे पास क्या मिल गया, दिस इज द टर्न रेशियो अंडर वॉट, अंडर ऑटो ट्रांसफॉर्मर, कुछ ऐसा टर्न रेशियो डिसाइड होता। अब बताओ लोडेड कंडीशन है ना, लोडेड कंडीशन है, तो आप बताओ, अब मैं एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन की बात करूंगा, मुझको एक रिलेशन और चाहिए, तो आप बताओ मुझको आप क्या देख रहे हो, आपका ट्रांसफॉर्मर एक्शन कहां कहां परफॉर्म हो रहा है, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, इतना पोर्शन बी सी क्या है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, और बताओ प्राइमरी वाइंडिंग कितना, इतना है। बट ध्यान रखो अपोजिशन जो क्रिएट हो रहा है, अपोजिशन जो क्रिएट हो रहा है, इतने में जो फ्लक्स मिल रहा है किधर मिल रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट बताओ इतने में जो फ्लक्स मिल रहा है, ये मैक्सिमम फ्लक्स को यही वाला आई एल माइनस आई एच क्या कर रहा है, आपको अपोज कर रहा है। तो आप बताओ इस वाइंडिंग और इतने वाइंडिंग में ही क्या परफॉर्म हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मर एक्शन, या जिसको कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस, इज इट ओके। तो मेरे पास क्या हो रहा है, ए से लेके बी के बीच में ए बी वाइंडिंग और कितने में, बी सी वाइंडिंग में ही आपका क्या परफॉर्म हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मर एक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा आपके पास, जो एमएमएफ होगा, एमएमएफ ऑफ व्हाट ए बी वाइंडिंग मस्ट बी इक्वल टू कितना, एमएमएफ ऑफ व्हाट बी सी वाइंडिंग, इज इट करेक्ट, ठीक है। तभी आप कहोगे कि आपका एमएफ बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, आपका सेटिस्फाई। तो आप बताओ एमएफ ऑफ अगर ए बी वाइंडिंग में निकालना चाहो तो एमएमएफ इज इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाई करंट। तो बताओ मुझको ए बी वाइंडिंग में कौन कितने नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है, मैं कह दूंगा कितने अवेलेबल है, एनएच माइनस कितना एनएल, यही अवेलेबल है कि नहीं। आप जरा ध्यान से देखो इतने वाइंडिंग कितने टर्न्स, दिस इज एनएच, दिस इज एनएल, ये कितना हो गया एनएच माइनस एनएल मल्टीप्लाइड बाई कितना करंट। ए बी वाइंडिंग जरा ध्यान से देखो कौन सी करंट फ्लो करे, इट्स ओनली आई एच, कौन सी करंट है, इट्स ओनली आई एच, तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज आई एच इज इक्वल टू एमएमएफ ऑफ बीसी वाइंडिंग, बीसी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितना एनएल। आप जरा ध्यान से देखो दिस वन इज हाउ मच, दैट इज एनएल, तो मेरे पास क्या लिख दिया मैंने एनएल मल्टीप्लाइड बाई कितना, मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच, दैट इज इक्वल टू कितना नंबर ऑफ टर्न्स हो गया करंट, करंट कितनी फ्लो कर रही आई एल माइनस कितना आई एच, इज इट करेक्ट। जरा इसको सॉल्व करते हैं, मेरे पास कितना मिलेगा एनएच इंटू कितना आई एच माइनस एनएल इंटू कितना आई एच इज इक्वल टू कितना मिल गया एनएल इंटू कितना आई एल माइनस कितना एनएल इंटू कितना आई एच, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पे एनएल इंटू आई एच, एनएल इंटू आई एच दोनों क्या हो जाए आपके कैंसिल आउट, तो आपके पास फाइनली मिल गया एनएच इंटू आई एच इज इक्वल टू कितना एनएल इंटू कितना आई एल।
तो आपके पास क्या आ गया, आई एल डिवाइड बाई आई एच इज इक्वल टू कितना मिलेगा, एन एच डिवाइड बाई कितना, एन एल, और एन एच डिवाइड बाई एन एल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए डैश के, इज इट करेक्ट। तो दिस इज द वर्ड करंट रेशियो, आपको एक करंट रेशियो मिल गया इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। जैसे आपने टू वाइंडिंग में रिलेशन डेवलप किए, सेम मैनर में आप कहां डेवलप कर रहे हो, आप किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में, आप सेम मैनर में आप रिलेशंस को क्या कर रहे हो, आप डेवलप कर रहे हो। ध्यान रखो जो भी बातें यहां चल रही किसके लिए चल रही है, इट्स ओनली अबाउट व्हाट, आइडियल ट्रांसफार्मर, इज इट करेक्ट। इसका मतलब मैं लॉसेस को क्या मान रखा हूं, दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर लॉसेस जीरो नहीं है तो पहली बात ऐसा कुछ आपका एमएफ बैलेंस इक्वेशन आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा आप बताओ, अगर चलो यहां पे लॉसेस भी होते, आपके पास लॉसेस होते डेफिनेटली उसमें नो लोड करंट होती, तो आप बताओ जरा ध्यान से देखो यहां पे आप क्या कहते, एमएमएफ बैलेंस अगर आप लिख रहे होते तो पहले वाले जरा ध्यान से देखो, ए बी वाइंडिंग में जो भी करंट फ्लो करेगी उसका नाम आपने क्या लिखा, आई एच, और आई एच इज इक्वल टू कितना होगा आपका, नो लोड पे जितनी करंट होगी और जो एक्स्ट्रा करंट मिली होगी, एक्स्ट्रा करंट किसकी वजह से मिलेगी आपकी, दैट इज इक्वल टू आई एल माइनस कितना, आई एच। तो आप क्या लिखते हैं, आई एच की जो वैल्यू मिलेगी आपको कितनी मिलेगी, एक तो नो लोड करंट आई नॉट प्लस कितना, जो आई एल माइनस आई एच की वजह से करंट फ्लो कर रही होगी किस वाइंडिंग में आपकी, दैट इज इन द ए बी वाइंडिंग। तो आप उस केस में क्या कहोगे, दैट इज फॉर योर, दैट इज फॉर योर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, इज इट ओके। बट आई डोंट थिंक सो आपको इतना ज्यादा कंसिडरेशन करने की रिक्वायरमेंट है, जो आप अगर गेट के लिए स्पेशली फोकस कर रहे हो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू कि आप ऑटो ट्रांसफार्मर, इतनी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, क्लियर हो इतनी बात। तो आपके पास क्या आ गया, आपने देखा वी एच और वी एल में क्या रिलेशन है, आपने क्या देखा आई एच और आई एल में क्या रिलेशन है। बट सीम्स टू बी हमेशा ध्यान रखना है कि दिस इज ऑल आर वॉट फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, नॉट फॉर द प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, बी केयरफुल इन दिस वन, ठीक है। दिस ऑल आर रेशियोज आर डिफाइंड फॉर व्हाट, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, जैसे वहां पे बताया था ऑल आर टर्न रेशियोज आर डिफाइंड फॉर व्हाट, दैट इज फॉर योर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इज इट करेक्ट। चलो अब देखते हैं जरा पावर का ट्रांसफर कैसे कैसे होगा आपके पास इसमें। अब देखते हैं कि हम लोग, अब देखते हैं कि आपको जो मैंने बोला कि इसमें इंडक्शन प्रोसेस भी होगा और कौन सा प्रोसेस होगा, कंडक्शन प्रोसेस। तो आप बताओ मुझको, अगर मैं कहूं टोटल वोल्ट एम्पियर एट एच वी साइड, कितना आपके पास एच वी साइड पर टोटल वोल्ट एम्पियर अवेलेबल है, तो मैं कहूंगा इनपुट वोल्ट एम्पियर ऑन एच वी साइड इज इक्वल कितना है, वी एच मल्टीप्लाइड बाई कितना, आई एच, है कि नहीं ऐसा। आप ध्यान से देखो यहां पे आपको क्या दिया, दिस इज वी एच और जो भी करंट इसके अंदर फ्लो कर रही कितना, आई एच। अब बताओ मुझको, आप बताओ ट्रांसफॉर्मर एक्शन किसके किसके बीच में आपका हो रहा है, किसके किसके बीच में, दिस ए बी वाइंडिंग और किसके बीच में, बी सी वाइंडिंग, इज इट ओके। तो इसका मतलब हो रहा होगा जो भी ए बी वाइंडिंग जो भी वोल्ट एम्पियर होगा वो किसको ट्रांसफर होगा आपके पास, बीसी वाइंडिंग को, इज इट करेक्ट ऑन नॉट। इसका मतलब थ्रू ट्रांसफॉर्मर एक्शन वोल्ट एम्पियर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट, ए बी टू कितना, बीसी, यही तो आपके पास क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर एक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल इनपुट इतना है तो आप बताओ मुझको ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट के वी ए, तो इनपुट के वी ए कितना आपके पास, वी एच इंटू आई एच, जरा देखते हैं कितना मिल सकता है। तो आप बताओ ए बी वाइंडिंग में आपके पास कितना टोटल वोल्ट एम्पियर अवेलेबल होगा, वोल्ट एम्पियर इज इक्वल होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। जरा ध्यान से देखो ए बी वाइंडिंग को, टोटल वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा वी एच और आप बताओ इधर का वोल्टेज वी एल, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना दिखेगा, वी एच माइनस कितना, वी एल। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टोटल वोल्टेज जो ए बी के क्रॉस है वो कितना है, वी एच माइनस वी एल, करंट जो फ्लो कर रही कौन सी करंट है, दैट इज इक्वल टू आई एच डिवाइड बाई कितना, इनपुट वोल्ट एम्पियर कितना है, वी एच मल्टीप्लाइड बाई कितना, आई एच। जरा देखो जरा क्या निकल के आएगा, आई एच कैंसिल आउट हो गया, आग पास क्या बचा आग पास, दैट इज इक्वल टू वी एच डिवाइड बाई वी एच माइनस वी एल डिवाइड बाई कितना, वी एच, ये कैंसिल आउट हो गया, आग पास बचा वन माइनस वी एल डिवाइड बाई कितना, वी एच। और आपको पता है वी एच डिवाइड बाई वी एल की जो वैल्यू होती है वो टर्न रेशियो ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूं कितना, वन माइनस कितना, वन बाई कितना, ए डैश, इज इट करेक्ट। तो अगर कोई कहे कि टोटल इनपुट में से कितना ट्रांसफॉर्मर एक्शन से पावर आपकी ट्रांसफर हुई टू द एलवी साइड, तो आप क्या नाम बताओगे, दैट इज इक्वल टू कितना ट्रांसफर होगा, ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू कितना होगा, वन माइनस वन बाई ए डैश मल्टीप्लाइड बाई इनपुट के वी ए। यहां पर क्या आएगा, इनपुट के वी, इसको लेकर इधर जाओगे तो कितना मिलेगा आपके पास, इनपुट के वी, इज इट ओके। तो ये क्या हुआ आपके पास, ट्रांसफॉर्मर एक्शन से पावर पहुंचा कहां का, इनपुट का पावर सेकेंडरी साइड पे मतलब एलवी साइड पे जो ट्रांसफर हुआ है, टोटल का कितना पोर्शन ट्रांसफॉर्म्ड के भी कितना पहुंचा आपका, वन माइनस वन बाई ए डैश, एंड ए डैश इज व्हाट, टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। और यहां मैं मान चल रहा हूं कि एच वी साइड आपका प्राइमरी है और एलवी साइड कौन सा आपका, सेकेंडरी साइड, इज इट करेक्ट। अब बताओ ये तो हो गया
ट्रांसफॉर्म्ड केवीए। अब अगर कोई कह देता आपसे, अगर कोई कह देता कि बताओ मुझको कंडक्शन प्रोसेस से कितना गया, तो मैं क्या कहूंगा, कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, इनपुट के ही रेस्पेक्ट में, तो मैं कहूंगा इनपुट वोल्ट एम्पियर। इज इट ओके, इज इक्वल टू, आप बताओ अगर टोटल इनपुट आपके पास वीएच इंटू आईएच है, उसका कितना पोर्शन आपका ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन आपका ट्रांसफॉर्म्ड हो गया थ्रू इंडक्शन प्रोसेस, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बचा हुआ केवीए हुआ वो किसकी वजह से गया आपका, कंडक्शन प्रोसेस, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट विल बी इक्वल टू इनपुट, इनपुट वोल्ट एम्पियर माइनस कितना, ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर डिवाइड बाई कितना, इनपुट क्या, वोल्ट एम्पियर। इज इट ओके और नॉट, ठीक है, आप बताओ जरा, इसको अगर डिवाइड करूं मैं पूरे क्वेश्चन को तो मिलेगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वन माइनस कितना, ट्रांसफॉर्म्ड केवीए, ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर डिवाइड बाई कितना, इनपुट वोल्ट एम्पियर। इज इट ओके और नॉट, तो कितना मिल जाएगा मुझको, वन माइनस कितना मिला मुझको, देखो जरा इसका रेशियो कितना आया हुआ है, इसका रेशियो आपके पास आया वन माइनस वन बाई ए डैश, तो आप बताओ मुझको कितना मिल जाएगा, वन माइनस वन डिवाइड बाई कितना, ए डैश, जरा इसको मल्टीप्लाई करो अंदर लेके जाओ, तो कितना मिलेगा, वन माइनस वन माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस कितना, ए डैश, वन वन कैंसिल आउट, इज इक्वल टू कितना आ गया, वन डिवाइड बाई कितना, ए डैश। इज इट ओके और नॉट, ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, टोटल इनपुट का जो इंडक्शन प्रोसेस से आपका वोल्ट एम्पियर ट्रांसफर हुआ वो कितना होता है आपका, वन माइनस वन बाई ए डैश मल्टीप्लाइड बाई द इनपुट वोल्ट एम्पियर। सेम मैनर में कंडक्शन प्रोसेस से कितना गया, दैट इज इक्वल टू वन बाई ए डैश मल्टीप्लाइड बाई कितना, इनपुट वोल्ट एम्पियर। इज इट ओके, तो आपको यहां एक बेसिक आइडिया आपको दिया गया कि कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, जब भी ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात की जाएगी तो हमेशा इस तरीके से कुछ आप डिफाइन करने वाले। इज इट करेक्ट, तो चलो हम देखते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर पे न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल आज तक पूछे गए हैं, हमेशा ध्यान में रखो कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके क्या हुए हैं, टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे कि टू वाइंडिंग अगर कोई आपके पास ट्रांसफॉर्मर गिवन है, आप उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हम उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके बेस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर कैसे डिजाइन करेंगे इफ वी हैव अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। आपके पास क्या दे रखा है, देयर इज अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, जिसकी रेटिंग दे रखी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 केवीए, दिस इज द पावर रेटिंग, ठीक है। मेरे पास जो वोल्टेज है, दिस वन इज एलवी साइड, दिस वन इज व्हाट, एचवी साइड। इज इट ओके, तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास 100 वोल्ट और 200 वोल्ट का आपके पास एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर अवेलेबल, जिसकी रेटिंग कितनी इतनी। तो आपसे पूछा है अगर इसको मैं रीकनेक्ट करता हूं एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो आपके पास केवी रेटिंग उस ऑटो ट्रांसफॉर्मर की कितनी होगी। जब भी आप, ध्यान रखना, जब भी आप रीकनेक्शन करोगे तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चलो देखते हैं जरा कैसे रीकनेक्शन हमेशा किया जाता है, एक टू वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाया जाता है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी कनेक्शन करो सबसे पहले I1 और I2 की कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करो, रेटेड वैल्यू। तो मैंने क्या कह दिया कि I1 की जो वैल्यू आ जाएगी रेटेड कंडीशन पे, कितनी आएगा आपके पास, वोल्ट एम्पियर रेटिंग गिवन है 2 × 10³ डिवाइड बाय कितना, कितना वोल्टेज इस साइड है, 100, तो 100 मतलब 10² एक कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। इज इट ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेम मैनर में अगर मैं I2 की बात करूंगा तो I2 पे वोल्ट एम्पियर विल रिमेन सेम ऑन द बोथ साइड, तो मेरे पास कितना आएगा, 2 × 10³ डिवाइड बाय कितना, वोल्टेज कितना मेरे पास, 200, तो मैंने कह दिया दिस इज 200, 1, 2, 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 20 डिवाइड बाय कितना, 2, तो कितना हो गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। पहले हमने इतनी चीज हमेशा कैलकुलेट कर लो, जब भी एक टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपको बनाना हो, तो मेरे पास कितना हो गया, दिस इज 20 एम्पियर, एंड दिस वन इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, और ये सेटिस्फाई भी हो रहा है, इसलिए हाई वोल्टेज हमेशा कम करंट होगी और लो वोल्टेज हमेशा क्या हो गया आपके पास, ज्यादा करंट। इज इट ओके, अब बताओ मुझको, आपको एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाना है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपको बनाना है तो आप बताओ मुझको, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, हम लोग यहां केवल एडिटिव पोलरिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बताओ इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो मैं इसके लिए दो मेथड आपको बताता हूं, दोनों मेथड से आप कैसे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आप बताओ मुझको, अगर ये टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, अगर ये टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, तो आप बताओ मुझको एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, एडिटिव पोलरिटी और क्या होता है आपके पास, सब्सट्रैक्टिव पोलरिटी। जब भी मैक्सिमम केवीए का आपको रिक्वायरमेंट होती है, आप हमेशा किसकी बात करते हो, हमेशा एडिटिव पोलरिटी की। तो जरा बताओ मुझको कैसे आप फ्रेम कर सकते हो, एडिटिव पोलरिटी मतलब होता है वोल्टेज का जुड़ना, पोलरिटीज ऐड कर जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव पोलरिटी। तो मैं कह देता हूं कि मान लिया
दो केसेस हमेशा डेवलप होंगे। पहला केस क्या होगा आपके पास कि आप ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे डिजाइन करते हो, कुछ इसी तरीके से ना, लाइक दिस वन, कुछ ऐसे बनाते हो ना। मतलब आप क्या करते हो, इसकी प्राइमरी को इसकी सेकेंडरी को इलेक्ट्रिकली आपको कनेक्ट करना है, तो दो ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हमेशा दो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। कैसे, एडिशन ही करना है ना वोल्टेज का, एडिशन करना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो इस पूरी वाइंडिंग, ये देखो जरा ध्यान से, ठीक है, दिस टर्मिनल ए टर्मिनल, दिस टर्मिनल इज बी टर्मिनल, नेक्स्ट ये वाला आपके पास हो गया रेड वन, तो ये क्या हो गया, अपर पोर्शन इज सी टर्मिनल, लोअर पोर्शन इज डी टर्मिनल। तो आप क्या कर सकते हो, इसको उठाकर अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो मेरे पास कितना मिलेगा, दिस डॉट इज ट्रांसफर टू हियर, तो प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये 200 वोल्ट था ये वाला कितना 100 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा 300, इज इट ओके, तो एडिशन हुआ वोल्टेज का। नेक्स्ट बताओ, दूसरा ऑप्शन क्या क्रिएट हो सकता था, इसी के अंदर क्या क्रिएट हो सकता था, दिस वन इज प्लस माइनस, ठीक है, ये भी आपके पास ऐसे, इसको उठाकर अगर मैं नीचे रख दूं इसके, तब भी आपके पास क्या मिलेगा, प्लस माइनस, और ये वाला डॉट इसी का डॉट है, ये नीचे आएगा प्लस माइनस, ये भी फिर से कितना मिलेगा आपके पास 300 वोल्ट। तो आप क्या कर सकते हो, सीडी वाइंडिंग को चाहे इसको यहां डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, चाहे सीडी वाइंडिंग आप क्या कर सकते हो, यहां पे कनेक्ट कर सकते हो, इज इट ओके। बट ऑटो ट्रांसफार्मर में हमेशा ध्यान क्या रखने वाली बात होती है कि जो टर्न रेशियो आप ले रहे हो, मैं क्या ले रहा हूं, एचवी डिवाइड बाय एलवी, जब भी एचवी डिवाइड बाय एलवी की बातें की जाती हैं, तो जो आप टर्न रेशियो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो टर्न रेशियो यूज किया था, फिजिबल जो हो सकता है ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, वो मैक्सिमम 2 हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 2, ठीक है। अगर एलवी बाय एचवी की बात करेंगे, तब हमें हमारे पास जो मैक्सिमम आपके पास ए की बात की जाती है, वो हमेशा कितनी बात की जाती है, हमेशा 1 की बात की जाती है, इज इट ओके। तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग कि टर्न रेशियो, आप बस इतना ध्यान रखो टर्न रेशियो वैल्यू क्या होगी आपकी, दैट विल बी वेरी लोअर वैल्यू, करें। चलो देखते हैं जरा कैसे कैसे इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटीज हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो जब भी कभी बात की जाए टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, तो हमेशा आप ध्यान रखो, हमेशा दो पॉसिबिलिटी हमेशा क्रिएट होगी, ठीक है। तो आप बताओ, एडिटिव पोलरिटी हम बात कर रहे हैं, तो एडिटिव पोलरिटी में इसका मतलब हो गया जो एडिशन करने जो वोल्टेज आएगा वो 300 आएगा। आपको मैं दो अप्रोच सिखाऊंगा यहां पे, ठीक है, 300 आपका एडिशन करने पे आना ही है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों में इसमें कोई भी केस ऑप्ट कर सकता हूं, ठीक है, कोई भी केस लेके मैं चल सकता हूं, और मैं बता दूंगा कि मेरे पास कितनी वैल्यू निकल के आने वाली, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, अगर मैं बात करूं टर्न रेशियो की बात करूं ऑटो ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो की, तो मेरे पास दो ऑप्शन क्रिएट होंगे। कैसे क्रिएट होगा, आप जरा ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूं, प्राइमरी किसी को तो मानना पड़ेगा ना, अगर ऑटो ट्रांसफार्मर बात की जा रही है, किसी एक को आप प्राइमरी मान लो, ठीक है, या मैं क्या मान सकता हूं, 100 वोल्ट को मैं उसका प्राइमरी मान सकता हूं, तब उसका सेकेंडरी साइड कितना दिखाई देगा आपके पास, 100 प्लस कितना 200, इसका मतलब कितना मिलेगा आपके पास 300, इज इट ओके। नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो जब मैंने 100 वोल्ट को प्राइमरी माना, तो मैं क्या लिखूंगा, केस फर्स्ट मैंने कहा 100 वोल्ट इज व्हाट, प्राइमरी साइड, देन 300 वोल्ट साइड क्या कहलाएगा आपके पास, दैट इज कॉल्ड टू सेकेंडरी साइड, इज इट ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस हो सकता है, जिसमें प्राइमरी साइड को आप क्या बनाओगे 100 वोल्ट, और सेकेंडरी साइड ऑब्वियस सी बात है एडिशन जो करोगे आप कितना मिलेगा 300 वोल्ट। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस टू हो सकता था, 200 वोल्ट को मैं क्या मान लूं, प्राइमरी साइड, और देन 300 वोल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू सेकेंडरी साइड, क्योंकि यहां उन्होंने ये नहीं मेंशन किया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कितना है और ऑटो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कितना है। तो वी हैव टू सेलेक्ट, इन दोनों में से आप कोई सा भी आप प्राइमरी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले को माना तो मेरे पास सेकेंडरी वैसा, अगर मैं इसको मान लूंगा प्राइमरी तो मेरे पास सेकेंडरी कितना 300, इज इट करेक्ट नॉट, ठीक है। दो ऑप्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अब बताओ अगर फर्स्ट केस की बात करूंगा टर्न रेशियो में कैलकुलेट करूं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो हमेशा बोला एचवी डिवाइड बाय क्या करना आपको एलवी, तो आप बताओ जरा कितना मिलेगा आपके पास, 300 डिवाइड बाय कितना 100, कितना मिल गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 3। और मैंने बताया मैक्सिमम जो टर्न रेशियो आपका पॉसिबल हो सकता है ऑटो ट्रांसफार्मर, अगर आप एचवी डिवाइड बाय एलवी करते हो, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स ओनली 2, इज इट ओके। तो अगर मैक्सिमम आपके पास 2 हो सकता है, इसका मतलब 3 इज अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ द टर्न रेशियो, आई डोंट थिंक सो, इट इज अ फिजिबल कंडीशन, इज इट अ फिजिबल कंडीशन टू कनेक्ट ऑटो ट्रांसफार्मर। अभी कनेक्ट करके देखेंगे इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, ये भी देख लेंगे, ठीक है। अब बताओ अगर मैं केस 2 की बात करता हूं, 200 कितना है 300, तो आप बताओ इस केस में ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 300 डिवाइड बाय कितना 200, तो कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 3/2, एंड 3/2 कैन बी रिटन एज 1. कितना 212, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1, कितना 1.5, इज इट ओके। तो ये जो आपके पास टर्न रेशियो दैट इज लोअर देन व्हाट 2, इसका मतलब दिस इज अ फिजिबल कनेक्शन इफ यू आर परफॉर्मिंग टू वाइंडिंग टू ऑटो ट्रांसफार्मर। तो चलो देखते हैं, तो मेरे पास ये वाला कनेक्शन क्या होगा आपके पास, बेस्ट कनेक्शन, ठीक है।
अब देखते हैं, अब दोनों केसेस को जरा अप्लाई करके देखते हैं कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं। चलो फर्स्ट केस अप्लाई करते हैं। फर्स्ट केस की अगर बात करते हैं तो मेरे पास क्या अवेलेबल है, मैंने कहा कि 100 वोल्ट को मैं क्या कर रहा हूं, प्राइमरी साइड। तो आप बताओ मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। फर्स्ट को मैंने क्या कह दिया, 100 वोल्ट को मैंने क्या कह दिया, दिस इज माय प्राइमरी साइड। अगर प्राइमरी साइड है, आप जरा ध्यान से देखना, इसको भूल जाओ, ठीक है। ये क्या था, प्राइमरी साइड पर आपके पास क्या है, ए बी टर्मिनल। तो मैंने क्या लिख दिया, दिस इज ए एंड बी। डॉट कनेक्शन क्या आपके पास, दिस ए इज पॉजिटिव एंड बी इज वन नेगेटिव। तो मैं कह दिया दिस वन इज डॉट। तो आपके पास कितना मिल गया सप्लाई, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। नेक्स्ट बताओ, सेकेंडरी आपको 300 बनाना है, तो 300 बनाना है तो आप क्या कह सकते हो, इस 200 को मैं यहां पे पुट कर दूं। अगर 200 को मैं यहां पुट करूंगा, जरा ध्यान से देखना, ऊपर वाला है सी और नीचे वाला क्या आपके पास डी। तो इसको ऐसे रखोगे तो ए कनेक्ट हो जाएगा डी से और सी डायरेक्टली किससे होगा आपके पास, बी। तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास कुछ ऐसी वाइंडिंग मिलेगी कि नहीं मिली, डॉट टर्मिनल यहां पहुंच गया और ये वाला वोल्टेज कितना होगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट। तो आप बताओ, और फाइनली मैंने यहां पर क्या कनेक्ट कर दिया, लोड। Is it correct? तो आप बताओ मुझको, यहां पे जो टोटल वोल्टेज आएगा 200 प्लस कितना 100, कितना आ जाएगा पास 300 वोल्ट। अब बात करते हैं जब करंट्स की, अब बात करते हैं करंट्स की बात करते हैं। जरा ध्यान से देखो, ए बी आपके पास, ए बी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रही थी वो 20 एम्पियर फ्लो कर रही थी, और आपके पास क्या सी डी वाइंडिंग जो करंट फ्लो कर रही, कितनी फ्लो कर रही, 10 एम्पियर। जरा ध्यान से देखो, लोड साइड पे कौन सी वाइंडिंग करनी, दिस इज सी, दिस वन इज व्हाट डी। सी पे जो करंट अवेलेबल है वो कितनी करंट अवेलेबल है, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। डायरेक्शन क्या है, सी से निकल रही है, तो सी से निकलते हुए आप शो करोगे हाउ मच एम्पियर, 10 एम्पियर। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मुझको, अब बताओ ए बी में जो आपकी करंट फ्लो कर रही है वो कितनी करंट आपके पास फ्लो कर रही है, 20 एम्पियर। तो इसका मतलब ए बी वाइंडिंग में जो करंट होगी कितनी एम्पियर होगी, 20 एम्पियर। गलती मत करना कि आप यहां पे लिख दो 20 एम्पियर, नो, ए बी वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू कितनी आपके पास, 20 एम्पियर। आप बताओ, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल आपके पास क्या होना चाहिए। आप ध्यान दो जरा, जो प्रिंसिपल आपने समझा कि जो आपके पास कॉमन वाइंडिंग जो करंट होगी आपके पास इस वाली वाइंडिंग का हमेशा क्या होती है, अपोज करना चाहिए, तो अपोज करेगी। तो ये करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो आप बताओ ये वाली करंट डायरेक्शन क्या मिलेगा आपके पास, डाउनवर्ड। इज इट करेक्ट और नॉट, और डाउनवर्ड मिलेगी भी आपके पास क्या, यहां पे भी देख लो, अगर एक करंट आपने एंटरिंग शो किया डॉट से, दूसरी करंट क्या करनी चाहिए, लीव। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये वाली करंट क्या कर रही है, लीव कर रही है, तो ये वाली डॉट से क्या करनी चाहिए, एंटर करनी चाहिए, देन ओनली द ट्रांसफॉर्मर एक्शन विल बी सेटिस्फाइड। अब जरा बताओ ये क्या हाई वोल्टेज, इसको नाम क्या दे दिया मैंने, वीएच। ये क्या है आपके पास, हाई वोल्टेज की करंट, तो मेरे पास इसका नाम दे दिया आईएच। नेक्स्ट बताओ मुझको, अब बताओ ये 20 एम्पीयर ये क्या है, एलवी साइड, तो इसका नाम दे दिया वीएल। ये वाली करंट नाम क्या दे दिया, आईएल। आप जरा ध्यान से बताओ मुझको, ये 20 एम्पीयर जो करंट फ्लो कर रही है कैसी आपकी, कितनी मिलेगा आपके पास, आईएल माइनस कितना आईएच। इज इट करेक्ट, तो आप बताओ मुझको ये आईएल करंट अगर निकालना, ध्यान से देखो इस पे एक केसीएल लगाओ, दिस करंट इज 10 एम्पीयर, दिस करंट इज 20, तो इधर कितनी करंट आएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 30 एम्पीयर। इज इट करेक्ट, तो ये अब बताओ, अब अगर वोल्ट एम्पीयर में कैलकुलेट करूं तो चाहे आप वीएच इंटू कितना कर दो आईएच, या आप क्या कह सकते हो वीएल इंटू कितना आईएल कर दोगे, क्योंकि मैं आइडियल केसेस मान चल रहा हूं, तो वोल्ट एम्पीयर दोनों साइड पे क्या आएगा आपके पास, सेम। तो चलो दोनों करके देख लेते हैं, वीएच इंटू आईएच करोगे तो वीएच की वैल्यू 300 इंटू कितना 10, 300 इंटू 10 की वैल्यू कितना होगा आपके पास 3 केवीए, करेक्ट। नेक्स्ट आप बताओ वीएल इंटू आईएल करूं, वीएल की वैल्यू कितनी 100 और ये कितना 30, 30 इंटू 100 करोगे तो फिर से कितना आएगा 3 केवीए, तो कितना आ गया आपके पास 3 केवीए। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती थी, आपने कैलकुलेट कर लिया, इस पॉसिबिलिटी में टर्न रेशियो कितना आपके पास अवेलेबल है 3, तो आपके पास क्या हुआ वोल्ट एम्पीयर जो आया वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, आपके पास कितना आ रहा है 3 केवीए। I am not sure कि ये मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, अभी हम श्योर नहीं हो सकते, बट दिस इज नॉट ए फिजिबल कनेक्शन। क्यों नहीं फिजिबल कहते, इसलिए फिजिबल नहीं कहते, टर्न रेशियो वैल्यू क्या आ रही है आपकी बहुत ज्यादा। इज इट ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, केस टू पे आते हैं। केस टू पे मैंने क्या नाम लिया, मैंने कहा आप 200 को क्या बनाओगे, आप 200 वाली वाइंडिंग का आप क्या बनाओगे, दैट इज योर व्हाट, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। तो 200 को मैं क्या बनाऊंगा आपका, प्राइमरी वाइंडिंग। तो आप बताओ मुझको, अब मैं अगर कह दूं कि मेरे पास क्या होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू लाइक दिस वन, नेक्स्ट बताओ मुझको, इट इज लाइक दिस वन। अब मैं कह दूं सप्लाई मेरा कितना है 200, तो मैंने कह दिया दिस वन इज 200। इज इट करेक्ट और नॉट, दिस वन इज 200, केस टू चल रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें मेरे पास क्या है 200 किसके क्रॉस वोल्टेज, जरा बताओ मुझको किसके क्रॉस वोल्टेज है, दैट इज योर सीडी वाइंडिंग। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, सीडी वाइंडिंग, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज सी एंड दिस वन इज व्हाट, डी वाइंडिंग। इज इट करेक्ट और नॉट, आप बताओ सीडी वाइंडिंग है तो 200 मिल गया। नेक्स्ट बताओ जो सेकेंडरी मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए आपके पास, कितना, दैट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। तो 300 वोल्ट आपको पाना है, तो आप बताओ ये वाली ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा डॉट,
डॉट अगर होगा तो ये वोल्टेज कितना आएगा आपके पास 100, और आपके पास ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल क्या कहलाएगा बी टर्मिनल। तो मैंने कैसा कनेक्शन किया होगा जरा देख के बताओ मुझको, कैसा कनेक्शन किया होगा मैंने, इसको उठा के मैंने कहां पुट किया होगा डाउनवर्ड। ऐसा जब भी मैं पुट किया होगा तो मेरे पास कितना मिला होगा बी टर्मिनल कनेक्ट हुआ सी से और डी टर्मिनल किस पे जाएगा आपके पास ए पे। तो आपको कुछ ऐसा कनेक्शन दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, करेक्ट और नॉट। अब बताओ मुझको अगर ये कनेक्शन है, अगर ये कनेक्शन है तो आप जरा ध्यान से बताना मुझको मेरे पास क्या होगा। फिर से मैं करंट की बातें कर लेता हूं, करंट की वैल्यू कैसे निकल जाएगी। तो आपके पास करंट की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मेरे पास कैसे निकल जाएगी जरा देखो फिर से। सीडी वाइंडिंग में कितनी करंट फ्लो करेगी, सीडी वाइंडिंग जरा चेक करो कितनी करंट है 10 एम्पीयर फ्लो करेगी कि नहीं करेगी। तो मैंने कह दिया सीडी वाइंडिंग कितनी करंट फ्लो करेगी, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पीयर, इज इट करेक्ट। नेक्स्ट बताओ मुझको इस वाइंडिंग में, ए बी वाइंडिंग में कितनी करंट फ्लो करेगी, कितनी करंट फ्लो कर रही है, दैट इज इक्वल टू 20 एम्पीयर। आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट डायरेक्शन राइट नाउ, कितनी करंट होगी आपके पास 20 एम्पीयर, करेक्ट ठीक है। अब जरा बताओ ट्रांसफॉर्मर एक्शन आपको सेटिस्फाई करना, अगर ट्रांसफॉर्मर एक्शन सेटिस्फाई करना है तो मेरे पास क्या मिलेगा आपके पास जरा ध्यान से देखो मुझको 20 एम्पीयर। देखो ए टर्मिनल पे क्या कर रहे हैं एंटर कर रही, तो मैंने कह दिया दिस इज 20 एम्पीयर इज एंटरिंग, ठीक है। अब बताओ मुझको सी टर्मिनल पे जो भी करंट होनी चाहिए, सी पॉइंट को लीव करनी चाहिए, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन किधर मिलेगा आपको अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कितना होगा आपके पास 10 एम्पीयर, इज इट करेक्ट। अब बताओ मुझको 20 एम्पीयर ये हुआ, 10 एम्पीयर ये हुआ, तो आपके पास ये वाली करंट कितनी मिलेगा आपके पास 20 प्लस कितना 10 एम्पीयर, तो कितना मिला मुझको दैट इज इक्वल टू हाउ मच 30 एम्पीयर। फिर से नेमिंग कर दो, दिस इज वी एच, दिस वन इज व्हाट H, नेक्स्ट बताओ दिस वन इज व्हाट IL, नेक्स्ट बताओ ये क्या हुआ आपके पास दिस इज इक्वल टू VL। अब बताओ मुझको ध्यान देना हमेशा ये बस डॉट का केयर करो, डॉट में कैसी करंट एंटर कर रही, कहां आपकी लीव कर रही, अगर इतना आप क्लियर हो तो आपका भी ऑटो ट्रांसफार्मर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप बताओ मुझको अब जरा निकालो VL इंटू IL इज इक्वल टू VH इंटू IH होगा हमेशा, तो बताओ मुझको कितना होगा 30 मल्टीप्लाइड बाई कितना 200, कितना मिलेगा आपके पास 6 kVA, इज इट करेक्ट। नेक्स्ट बताओ VH इंटू IH अगर मैं करूंगा तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना मिलेगा आपके पास 6 kVA, इज इट मोर देन और नॉट, फर्स्ट केस से ज्यादा है कि नहीं, कैसा है आपके पास फर्स्ट केस से ज्यादा मिला कि नहीं मिला। अगर ये ज्यादा मिला है तो मैं कहूंगा दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल, दीज टू केसेस आई हैव डिस्कस, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल KVA दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट If you are connecting a such type of two winding transformer into what? Auto transformer. और बताओ ये second case हर तरीके से feasible है, maximum KVA आपको देगा और turn ratio कितना मिल रहा है आपको? It's only 1.5. Is it okay? तो feasible connection कौन सा होगा? This one. अब बताओ कैसा connection ही दिख रहा है? जरा ध्यान से देखो कैसा connection दिख रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? Current का flow ऐसे है, current flow ऐसे है, तो इसका मतलब ये क्या? High voltage से power किधर आ जाएगा आपके पास? Low voltage side. तो ये क्या कहलाएगा आपका? It's a step down connection. Next बताओ इधर क्या हो रहा है आपके पास? करंट का फ्लो आपको इस तरफ से लेके इस तरफ जा रहा है, लो वोल्टेज आप किधर जा रहे हो? हाई वोल्टेज। ये कैसा कनेक्शन हुआ? इट्स अ स्टेप अप कनेक्शन। क्लियर हुई इतनी बात? तो इसका मतलब आप जब स्टेप डाउन ऑपरेशन कर रहे हो तब आपको कितना मिल रहा है? आपको मैक्सिमम केवीए। तो फॉर फिजिबल कंडीशन जो मैक्सिमम केवीए इसमें पॉसिबल है वो कितना हो सकता है? 6 kVA। तो आंसर इज हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 6 kVA, दैट्स ऑल। क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन ये हुआ पहला तरीका, आप कुछ इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है आपके पास केवी निकालने का, तो आप बताओ मुझको केवी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या सोच सकते हैं? ठीक है, जरा देखो जरा केवी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है। आपको मैंने करवाया था लाइक दिस वन, याद करो ठीक है, दिस वन इज व्हाट एलवी, ऐसा कुछ किया था कि नहीं किया था? दिस इज एलवी, दिस करंट इज व्हाट आईएल माइनस आईएच, ठीक है। ये करंट क्या था आपके पास? आईएच। ये क्या आपके पास था? वीएच। याद करो आपको प्रीवियसली आपको बताया गया सारी चीज कैसे आप करोगे। अब बताओ मुझको अगर मैं कह रहा हूं कि मैं वोल्ट एम्पियर कंपेयर करना चाहता हूं प्राइमरी वाइंडिंग और किसकी? सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द व्हाट? टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो मैं कह दे रहा हूं वोल्ट एम्पियर ऑफ व्हाट? टू वाइंडिंग ऑटो डिवाइड बाई कितना? वोल्ट एम्पियर ऑफ व्हाट? टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो वोल्ट एम्पियर ऑफ व्हाट? टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। इन दोनों कंपैरिजन करते हैं, जरा देखते हैं जरा वोल्ट एम्पीयर कैसे निकल आएगा। आप बताओ मुझको अगर वोल्ट एम्पीयर ऑटो की बात करते हैं तो वोल्ट एम्पीयर ऑटो जरा ध्यान से देखो प्राइमरी किसका वोल्ट एम्पीयर कितना होगा? वीएच मल्टीप्लाइड बाय कितना? आईएच। तो मैं चाहे लिखूं क्या इसको? वीएच इंटू क्या? आईएच। पहली चीज तो ये मैं लिख सकता हूं, दूसरी चीज क्या मैं सोच सकता था? क्या लिख सकता था? वीएल इंटू कितना? आईएल। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। दिस इज द वोल्ट एम्पीयर ऑफ व्हाट? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। विद रिस्पेक्ट टू चेक करना है कि जो टू वाइंडिंग है कितना निकल का है, जरा बताओ मुझको टू वाइंडिंग का आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर है उसका आपके पास अगर लिखना चाहते हो आप तो कैसे निकल गया? जरा बताओ मुझको कितना निकल गया? अगर इसी को मैं टू वाइंडिंग में कन्वर्ट करता तो आप बताओ मुझको क्या होता आपके पास? कैसे आप निकालते? आपके पास क्या है? ये वाला वोल्टेज कितना है? VH माइनस VL, करेक्ट ना? तो इसको क्या बनाते? प्राइमरी आप बनाते कि नहीं बनाते?
प्राइमरी आप बनाते हैं, ऐसे ही कनेक्शन बार बार कर रहे हो ना आप, प्राइमरी को नीचे ला रहे हो, प्राइमरी को ऊपर लेके आ रहे हो, तो मैं क्या कह रहा हूं, दिस विल बिकम द प्राइमरी ऑफ द वॉट और नॉट। तो टू वाइंडिंग का अगर यहां से निकालते आप, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का यहां से अगर आप वोल्ट एम्पियर बात करते कितना आता है, इक्विवेलेंट वोल्ट एम्पियर वीएच माइनस वीएल मल्टीप्लाइड बाय कौन सा करंट आपका आईएच, तो मैं क्या लिखता है यहां पे वीएल माइनस वीएच मल्टीप्लाइड बाय कितना, दैट इज इक्वल टू आईएच। क्लियर हो इतनी बात, जरा ध्यान से देखो ये कैंसिल आउट आईएच है, अगर आईएच आईएच कैंसिल आउट क्या बचा आपके पास, वीएच को आप नीचे लेके चले जाओ आपको क्या मिलेगा, वन डिवाइड बाय कितना वीएल माइनस वीएच माइनस कितना वन, इज इट करेक्ट नॉट, ठीक है। अब बता मुझको इज इक्वल में लिख सकते हो वन डिवाइड बाई वीएच डिवाइड बाई वीएल की वैल्यू होती है ए डैश, कितनी होती है ए डैश, इसका मतलब वीएल डिवाइड बाई वीएच की वैल्यू कितनी मिलेगी वन बाई कितना ए डैश माइनस कितना वन, करेक्ट, ठीक है। जरा इसको और सॉल्व करो आपको क्या मिलेगा वन डिवाइड बाई कितना ए डैश, अगर इसमें मल्टीप्लाई करो तो वन माइनस ए डैश और ए डैश ऊपर चला गया कितना बचा आपके पास ए डैश। क्लियर हुई इतनी बात, तो आपके पास क्या आ गया वोल्ट एम्पियर ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू ए डैश डिवाइड बाई ए डैश माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कितना वोल्ट एम्पियर ऑफ द वॉट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब बताओ ए डैश आपको डिसाइड करना कि ए डैश की वैल्यू कितनी होगी, दो पॉसिबल केस बताया, पहला तीन, दूसरा कितना 1.5, कौन सा आपका फिजिबल होता है हमेशा जिसमें टर्न रेशियो की वैल्यू क्या होनी चाहिए इट मस्ट बी लोअर देन व्हाट टू, तो आप बताओ मुझको इसकी लोअर है कि नहीं, तो ए डैश की वैल्यू कौन सी यूज करूंगा 3/2, जरा करो इसमें 3/2 आपको कितना मिलने वाला है, दिस इज इक्वल टू 3/2 डिवाइड बाई कितना 1 - 3/2, करेक्ट और नॉट, ठीक है। अगर ऐसा है आप जरा बताओ मुझको कितना मिलेगा 3/2 ब्रैकेट ये कितना 2 - कितना दैट इज इक्वल टू 3, 2 - 3 डिवाइड बाय कितना 2, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास कितना बचा दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय कितना 1 माइनस आया, डोंट वरी अबाउट माइनस साइन, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया मेरे सॉरी समथिंग इज रॉन्ग, ए डैश इज हियर, ओके इट्स करेक्ट, तो कितना आ गया 3 डिवाइड बाय कितना 1, इसका मतलब कितना मिला आपके पास कि जो वोल्ट एम्पियर ऑटो आएगा वो क्या होगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ व्हाट वोल्ट एम्पियर ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और टू वाइंडिंग गिवन है कितना 2 kVA, तो 3 times of 2 kVA कितना आ गया आपके पास दैट इज इक्वल टू 6 kVA, एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वोल्ट एम्पियर यू कैन गेट फ्रॉम ए व्हाट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू व्हाट इनटू योर ऑटो ट्रांसफार्मर, इज इट करेक्ट। तो यू कैन थिंक लाइक दिस वन, अगर इस वे में आप करते हो तो डेफिनेटली यू विल डू बेटर इन योर ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये कंसेप्ट जो आपने सीखा यहाँ पे इसी को मैं बार बार अप्लाई करूंगा, किस केस के लिए अप्लाई करूंगा जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में यही कंसेप्ट मैं यूज करने वाला हूं। मैं कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं करने को कह रहा हूं, आप वो सब फॉर्मूला याद करने का आपको नीड नहीं है, अगर फिर भी आप करना चाहते हो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखो आपको क्या नीड है, ठीक है, जिस तरह से भी करोगे आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट्स अ गेट 2016 क्वेश्चन, क्या आंसर पॉसिबल होगा, इसका आंसर जो होगा 6 kVA इज द राइट आंसर, इज इट करेक्ट। चलो अब देखते हैं, तो नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर पे फर्दर क्वेश्चंस को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, इज इट ओके। सो कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।